तो आज ना सुबह सुबह मैंने अपनी क्लाउड किचन की तैयारी शुरू कर ली है। तो मैंने यहाँ पे छोले और चने दोनों को कल रात को भिगा दिया था और आज मैंने बॉईल करके रख दिया है इसे। और यहाँ देखिए लाल लाल टमाटर, मैं अभी सिर्फ दो टमाटर को मैंने कट करके रखा है। और यहाँ मैंने दाल को भिगो दी है, चावल भिगो दिए है, आटा भी मैंने गूंथ लिया है। यह आलू मैंने बॉईल कर लिया है, पराठे वगैरह अगर का ऑर्डर आ जाता है ना तो आलू भी बॉईल चाहिए। और यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाकर रखी है। और बस अब मैं चावल वगैरह चढ़ाऊँगी, दाल बनाऊँगी और अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर दूँगी। ऑनलाइन चली जाऊँगी अब मैं। और जैसे ऑनलाइन गई कि एक घंटे के बाद मुझे ऑर्डर आ गया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने थाली रेडी कर दी है और ये मुझे रेगुलर थाली का ऑर्डर था, तो ये मेरी रेगुलर थाली है। इसमें प्याज लहसुन वाली जो दाल सब्जी होती है, और जो जैन थाली होती है वो बिल्कुल प्योर प्रॉपर जैन थाली होती है, यानी उसमें बिल्कुल भी प्याज लहसुन का यूज़ नहीं होता है। अगर आप बिना मिर्ची वाला भी चाहें ना तो वो भी मेरे पास में अवेलेबल होता है। तो जैसे बच्चों के लिए या जो बीमार होते हैं उनके लिए, या जो मिर्ची नहीं खाना पसंद करते हैं ना, तो उनके लिए भी मैं बगैर मिर्ची वाला भी मेरे पास, और अभी मेरे पास में ज़ोमैटो की टेप्स नहीं है तो अब ये जो नॉर्मल वाली सेलो टेप है यही मैं यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप भी मेरे क्लाउड किचन से ऑर्डर करना चाहते हैं तो हैदराबाद में अगर है तो मैं सिकंदराबाद में बोइनपल्ली में आप ऑर्डर कर सकते हैं गायत्रीज होम किचन में। प्योर वेज जैन थाली सब कुछ आपको अवेलेबल रहेगा। तो ज़ोमैटो पे मेरा आउटलेट है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो राइडर के आने के पहले ही ना हमें सब कुछ प्रिपेयर करके एकदम रेडी करके पैक करके तैयार रखना होता है, क्योंकि जैसे ही राइडर आता है ना तो वो अराइव का जो बटन है उसे क्लिक कर देता है और उसके अंदर ना उसमें 3 मिनट के अंदर अंदर हमें फूड उसे हैंडओवर कर देना होता है। नहीं तो है ना हमें रेड मार्क लग जाता है, जैसे स्कूल में होमवर्क लेट करने से रेड मार्क लग जाता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। और बस मैं किचन में चली गई थी, फिर मुझे दूसरा ऑर्डर आ गया और वो भी मैंने रेडी कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।